Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग ठीक होंगे तो सर्दियां कैसी जा रही हैं आप लोगों की और छुट्टियां कैसी जा रही हैं हमारे यहाँ भी छुट्टियां हो गई हैं दो वीक की छुट्टियां होती हैं जापान में तो आप लोग बताएं आप लोगों की छुट्टियां कैसी जा रही हैं यहाँ पे मैं सुबह उठ के आई थी नीचे तो अभी सब लोग सो रहे हैं बच्चे भी हस्बैंड भी क्योंकि छुट्टियों की वजह से हस्बैंड तो वैसे लेट उठते हैं और बच्चे भी अब रात को लेट सोते हैं और सुबह जो है ना वो लेट ही उठते हैं तो यहाँ पर मैं मेरा जो टाइम होता है ना वो एक ही है मैं सुबह ले उठ जाती हूँ तो मेरे से ज़्यादा सोया नहीं जाता मैं थक जाती हूँ लेट लेट के तो मैं फिर नीचे आ जाती हूँ आके अपनी टी वगैरह बना के बैठती हूँ और इन्जॉय करती हूँ क्योंकि ये वाला टाइम जो है ना बच्चों का लंच और नाश्ता नहीं होता ना तो इस वजह से बड़ा आराम से रिलैक्स होकर बैठा जाता है ना तो अभी मैं ऊपर आ गई थी मैंने सोचा अभी नाश्ता तो बन नहीं सकता तो पौधों को क्यों ना पानी दे लिया जाए और देखभाल कर ली जाए तो इसके अलावा आज के वीडियो में मैं आप लोगों से अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी तो अभी अगर आप लोगों के पास थोड़ी सी भी स्पेस है ना आप ज़रूर पौधे लगाएं जैसे कोई हर्ब लगा लें मिंट लगा लें कोरिएंडर लगा लें उससे क्या होगा आपका जो टाइम है बहुत अच्छा गुजर जाएगा अगर आप फ्री बैठे हुए हैं बोर हो रहे हैं तो आप पौधों के पास आके बैठें और मेरा ऐसे ही होता है मैं पौधों के पास आके बैठती हूँ और जितने भी लीव होते हैं ड्राई फूल होते हैं वो उतारती हूँ इसके बाद मैं उनके साथ बैठ के बातें करती हूँ तो बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है मेरा ना मुझे गार्डनिंग का वैसे भी बड़ा शौक़ है ना मैं फ्लावर और, और, और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो भी मैं नीचे आ गई थी मैं नाश्ता बनाने लगी थी तो यहाँ पे मैंने एग बॉईल होने के लिए रखे हैं तो ये वाला पोट ना मेरा बहुत फेवरेट है और मैंने ये टीमों से बाई किया था मुझे क्लैब आया था टीमों से तो वहाँ से मैंने लिया था अगर आप लोगों ने कोई भी चीज़ बाई करनी हो तो आप मेरे दूसरे चैनल पर जो क्लैब की वीडियो है वो देख के और अगर आप लोग न्यू ऐप यूज़र हैं मतलब आपने ऐप डाउनलोड नहीं की हुई तो आप वहाँ से कोड लेकर तो आप लोगों को थर्टी परसेंट डिस्काउंट मिलेगा और फिफ्टीन थाउजेंड का कूपन बंडल भी मिलेगा अगर आप मेरे वाला जो कोड है वो यूज़ करेंगे जो मेरा दूसरा चैनल है शॉर्ट वीडियो का वहाँ पर मैंने वीडियो अपलोड की हुई है आज हमने बनाने थे जी मूली के पराठे मूली के पराठों के बारे में अफवाहें तो बहुत ज़्यादा हैं आप देखें क्या होता है अब इसका रिज़ल्ट जो आएगा ना वो मैं आप लोगों से बाद में शेयर करूँगी और तो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ और सुपेर पराठा बना रही हूं ना तो देखें क्या होता है आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी मैं यहाँ पे अभी मैंने पराठे रख दिए थे मैंने बच्चों से बोला आप लोग आ जाएं और मैं चटनी बना रही हूँ यहाँ पे तो ग्रीन चटनी ना तो अच्छी लगती है यहाँ पे अभी ये लोग आगे थे बैठ के थे मैंने कहा आप लोग इंजॉय करें गरम गरम पराठे क्योंकि अगर आ, मैं भी बैठ जाऊंगी ना पराठा खाने या एक दफा पराठा बनाऊंगी ना तो फिर वो क्या हो जाएगा कि वो सैगी हो जाएंगे तो मैंने कहा पराठे खाने का मजा तो गर्म गर्म खाने से आता है ना तो यहाँ पे ये लोग इंजॉय करेंगे पराठे गर्म गर्म तो जैसा कहते हैं ना कि अभी सर्दियों की यही तो स्पेशल बात होती है कभी कोई पराठा चल रहा है कभी कोई हलवा चल रहा है तो अभी ना मेरी छोटी बेटी जो है ना वो कह रही थी कि मामा अब आप नेक्स्ट आपने गोभी वाला पराठा बनाना है क्योंकि मैं गोभी वाला नहीं बनाया आलू वाला कीमे वाला और ये अमूली वाला बनाया बना दिया है अब उसको होता है उसको था कि मैंने ट्राई करना है गोभी वाला भी तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम ये भी तो ये जो पराठे और हलवे चल रहे होते हैं ना सर्दियों में सच्ची में मेरा तो वेट लॉस का जो प्रोग्राम था वो स्टॉप हुआ हुआ है तो अभी वैसे भी छुट्टियाँ भी चल रही हैं तो बंदा कितना वो करे ना तो मैंने सोचा चलो छुट्टियों के बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरा वो दोबारा से करेंगे तो ये हलवे मीठा खाने से ना ऐसा होता है कि आप अगर वेट लूज कर रहे होते हैं ना तो वो स्टॉक हो जाता है नहीं लूज होता तो यहाँ पे अभी ये एग रह गए थे दो मैंने भी नहीं खाया था और मेरी बेटी छोटी ने भी नहीं खाया था मैं फुल हो गई थी वो कहती मैं भी बाद में खाऊंगी तो यहाँ पे मैं टेबल क्लीन करूँगी जैसे ही उठते हैं ना मैं बर्तन उठा देती हूँ टेबल हाथ के हाथ क्लीन कर देती हूँ अगर मैं ना करूँ तो रेडी में पड़ा रहता है फिर मैं कुछ ना कुछ और करने लग जाती टेबल वहीं पर रह जाता है तो जैसे आप काम जैसे ही हाथ के हाथ आप कर लेना कोई भी काम है ना तो आप इजीली जो है ना वो कर लेंगे और पेंडिंग नहीं रहेगा यहाँ पर चाय जो बच गई थी वो मैंने रख दिया सिंक में क्योंकि मैं गिरा दूँगी किसी ने चाय पीनी नहीं है अब और क्योंकि बच्चे मेरे पीते कोई नहीं है तो बर्तन धोते हुए मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया क्योंकि आप लोग हो सकता तब बोर हो जाए तभी तो मैं ऊपर अपने रूम में आ गई थी मैंने बेडशीट चेंज करनी थी और साथ में जो है ना क्लीन करना था रूम तो जैसे कि ना बेडशीट अगर आप लाइट कलर की डालेंगे तो आपका जो रूम है ना वो बड़ा लगेगा इसमें ना और दूसरे नंबर अच्छा भी लगेगा और दबा दबा नहीं लगेगा और अगर आप लोगों को कलर पसंद है ना तो कलर के साथ आप आ, कर सकते हैं कॉम्बिनेशन कर सकते हैं पिलो या फिर आप कुशन जो होते हैं ना वो रख सकते हैं उससे भी अच्छा लगता है यहाँ पे मेरी बेडशीट जो थी वो ग्रे कलर की थी पिलो मेरे जो रेड वाइन कलर है ना उसका एक साइड से रेड वाइन है एक साइड से ग्रे है तो वो मैंने रख दिए हैं तो जितना लाइट कलर यूज़ करेंगे उतनी ही आपके रूम की जो ग्रेस है ना वो बन जाएगी और यहाँ पर अभी मैं पाकिस्तान को तो याद करने लगी हूँ मैं ऊपर बालकनी में आई थी ऑरेंज लेके ना मैं यहाँ पे बैठ के खाऊंगी तो पाकिस्तान में ऐसा होता है ना धूप में बैठ के आप ऑरेंज खाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है मैंने सोचा चलें अकेले ही सही तो यहाँ पे बैठ के खाते हैं तो इसके बाद आज मैंने बनाना थी जी गजरेला मेरे हस्बैंड ने इतनी ज़्यादा गाजरेले आए हुए थे कि मैंने अपने फ्रेंड्स को भी देना तो बनाओ तो आज खाना मेरा लेफ्ट ओवर पड़ा हुआ था मैंने निहारी बनाई थी तो इसलिए मैंने खाना नहीं बनाना था मैंने सोचा जो गजरेले पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है यहाँ पर मैंने टू के जी उसमें ऐड किया है जो होता है मिल्क होता है इसके बाद जो है मैंने उसमें थोड़ा सा बटर ऐड किया है चिकनाहट की वजह से उससे क्या होगा वो साथ लगेगा नहीं तो जो खोया बनता है ना वो बिल्कुल ईजी है आपको दूध डाल के ना मीडियम हीट पर छोड़ देना है इसके बाद बीच में आप चमचा चलाते रहें अगर आपका पोट जो है ना वो मोटा है ना मतलब ठीक है ना तो जलने का कोई ख़तरा नहीं है तो वैसे आप उसको मारते रहें चमचा और बाकी काम आप साथ, -साथ करते रहें यहाँ पे गाजरें जो है ना मेरे से क्रश नहीं होनी थी एक दफ़ा मैंने की थी हाथ भी थक जाता है और इतना बोरिंग है ना ये काम तो मैंने ना उसको ना कद्दूकश नहीं किया मैंने इसको डाला है चॉपर में तो हालत तो एक जैसी हो जाती है जब आप कद्दूकश करके डालें या इस तरह डालें गाजरें गल जाती हैं यहाँ पे इस स्टेज पे आके जब ये थिक हो जाता है ना तब आपको स्टील इसमें चमचा मारते रहना है मारते रहना है तो जो है ना खोया बिल्कुल बहुत अच्छा रेडी हो जाएगा यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी पाउडर मिल्क ऐड नहीं किया सिर्फ जो मैंने दूध डाला था ना उसी को मैंने पकाया है और मैं यहाँ पे आलसी मैंने पोट को ना वॉश नहीं किया मैंने ऐसे ही डाल दिया मैंने कहा जाने दो भैया अब इतना बंदा थक जाता है ना तो यहाँ पे अभी मैंने ना गाजरें डाली हैं गाजरों के साथ मैंने शुगर भी डाल दी आप वाइट शुगर भी डाल सकते हैं हम लोग यहाँ पर ब्राउन शुगर यूज़ करते हैं इसलिए मैंने ब्राउन डाली है तो मैं कवर इसलिए कर रही हूँ कि मैंने उसको क्रश किया था उसमें तो मैंने सोचा चलो पाँच मिनट के कवर करते हैं वैसे आप खुला छोड़ के बनाए ना पानी जल्दी ड्राई हो जाएगा तो अभी आलमोस्ट जो है ना पानी इसका ड्राई हो चुका है तो इसके बाद अभी मैं इसमें ना ऑयल ऐड करूँगी और ऑयल के साथ बटर ये खोया मेरा बनाया टू के जी मिल्क में से तो अभी मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी इसके साथ ही फिर मैं बटर भी ऐड कर दूँगी और नट्स नट्स में मुझे ना पसंद है पिस्ता चो तो बाकी जो आलमंड और काजू है ना वो मुझे इतना पसंद नहीं है आलमंड भी मैंने भिगो के उस, उसमें से छिलका उतार दिया था तो वो भी मैं ऐड करूँगी ये के जी नट्स तो वो कहते हैं ना जितना आप गुड़ डालेंगे ना उतना ही मीठा होगा यहाँ पे नर्स डालने से उसकी जो शक्ल ही बदल गई है उसका रंग रूप ही चेंज हो गया है तो यहाँ पे अभी मैं ना आगे जो है ना डाल दूँगी इसके अंदर ड्राई मिल्क और इसके साथ मैं इसको मिक्स कर लूँगी तो गाजर का हलवा बनाते हुए ना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है लेकिन इतना अच्छा हलवा बनता है गर अगर घर में आप बनाए ना तो आपको पता होगा उसमें आपने क्या क्या ऐड किया है बाज़ार का जो हलवा होता है ना उसमें पता नहीं क्या क्या कुछ होता है तो खैर यहाँ पे तो आपको बाज़ार का मिलने से रहा और आपने खुद ही बनाना है यहाँ पे ऑलमोस्ट डन हो चुका है इसमें इसने जो है छोड़ दिया है ऑयल अब मैं इसमें खोया ऐड कर दूंगी तो मैं सारा खोया ऐड कर दूंगी आप चाहें तो आप थोड़ा रख भी लें बाद में गार्निश कर दें तो यहाँ पर मैं सारा डाल के मिक्स कर लूँगी सही हलवाई वाला हलवा बना था तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप वीडियो पे आ ही जाते हैं तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें यहाँ पे जो है हलवा रेडी हो चुका था तो मैंने अपने हस्बैंड की फरमाइश पे उनके फ्रेंड्स के लिए भी डाल दिया तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगे तो अगेन लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़